हेलो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि AKTU की कॉपी चेक करने का क्या प्रोसेस होता है और ये किस तरीके से चेक की जाती है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और मैं इस वीडियो में आपको एक बात और बताऊँगा कि जो हमारी AKTU की कॉपी चेक करने का जो प्रोसेस होता है उसमें किस किस लो में चेंजिंग हुआ है 2020 में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। तो चलो चलते हैं अब हम अपने वीडियो की ओर। अब हम देखेंगे कि AKTU की कॉपी चेक करने का क्या प्रोसेस होता है और ये किस तरीके से चेक की जाती है हमारी कॉपी। नंबर वन, कॉपी रेफर कॉलेज टू AKTU यूनिवर्सिटी, यानी कि जहाँ पे भी हम एग्ज़ाम देते हैं, जहाँ पे भी हमारा जो सेंटर होता है एग्ज़ाम का, वहाँ से हमारी जो कॉपी होती है वो रेफ़र हो जाती है AKTU यूनिवर्सिटी, यानी कि कॉलेज से AKTU यूनिवर्सिटी हमारी कॉपी चली जाती है। फिर उसके बाद क्या आता है सेकंड स्टेप, बार कोड स्कैन ऑफ एवरी कॉपी, यानी कि आपने देखा होगा कि जब आप एग्ज़ाम देते हो तो आपकी कॉपी के ऊपर एक बार कोड होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो AKTU में उस बार कोड के साथ क्या किया जाता है, उस बार कोड को स्कैन किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। और उस बार कोड को स्कैन करने के बाद में उसका PDF बना दिया जाता है। मेक थर्ड पॉइंट में देखिए आप, मेकिंग PDF ऑफ एवरी कॉपी, यानी कि जब हम बार कोड का स्कैन करते हैं तो उसका एक PDF बना दिया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए फोर्थ पॉइंट में, ऑल PDF अपलोड इन AKTU सॉफ्टवेयर, यानी कि जो हम PDF बनाते हैं उसको हम अपलोड कर देते हैं AKTU सॉफ्टवेयर में। सॉफ्टवेयर को हम AKTU का सिस्टम भी बोल सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए फिफ्थ स्टेप, ऑथोराइज्ड टीचर लॉगिन विद यूज़र ID पासवर्ड ऑन द AKTU सिस्टम, यानी कि AKTU उन टीचरों को बुलाता है जिनके पास AKTU यूज़र ID और पासवर्ड दे देता है, जिन टीचर को यूज़र ID और पासवर्ड देता है AKTU, उन टीचर को वो AKTU में बुलाता है और उनसे वो कॉपी चेक कराता है। और जो हमारे जो टीचर होता है वो सिस्टम पर ही कॉपी चेक करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। स्टेप सिक्स, कॉपीज ऑल पेज ओपन स्टेप बाय स्टेप, जो हमारी कॉपी का जो पेज होता है वो स्टेप बाय स्टेप ओपन होने लगता है, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि अगर आपने स्टार्टिंग के 10 पेज पर वर्क किया, AKTU की कॉपी के स्टार्टिंग के 10 पेज पर अगर आपने वर्क किया और बीच में 4 पेज छोड़ दिए और फिर उसके बाद फिर वर्क करने लगे, तो जो आपने जो 4 पेज छोड़े हैं ना वो भी चेक किए जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स, चाहे आपने उसमें कुछ लिखा हो या ना लिखा हो। ये होता है AKTU की कॉपी चेक करने का प्रोसेस। मैं आपको बता देता हूँ चेंजिंग लो कि 2020 में कौन कौन से लो चेंज हुए हैं AKTU की कॉपी चेक करने के प्रोसेस के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। नंबर वन, लिमिटेड कॉपी, एक टीचर को लिमिटेड कॉपी मिलेगी, ठीक है फ्रेंड्स। ये तो मैं आपको बता नहीं सकता कि कितनी कॉपी मिलेगी, लेकिन मिलेगी उनको लिमिटेड कॉपी। और नंबर सेकंड, मिनिमम 10 मिनट्स, कोई भी टीचर एक कॉपी को 10 मिनट्स में चेक करेगा, ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि 10 मिनट से कम में नहीं कर सकता, 10 मिनट्स में ही करेगा जिससे कि हमारी कॉपी अच्छे से चेक हो पाए, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।